नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव परिणाम में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और यूपी के अंदर इतिहास रच दिया है। 17 में से 17 सीटें हासिल की हैं, जिसके बाद यूपी के अंदर हाहाकार मच गया है। नगर निगम चुनाव में सबसे पहले झांसी में बीजेपी उम्मीदवार ने शनिवार को जीत दर्ज की थी, जहां बीजेपी के बिहारी लाल आर्य ने 1,23,523 वोट हासिल किए और कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद कुमार को 83,587 मतों के अंतर से हरा दिया है। वहीं सपा बसपा के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि वे एक भी नगर निगम में जीत नहीं दर्ज कर पाए हैं, जिसके चलते पार्टी में हाहाकार मच रहा है। गोरखपुर में डाले गए वोटों से ज्यादा हुई गिनती, अखिलेश यादव की मांग है कि रिकाउंटिंग दोबारा होनी चाहिए। दोस्तों, सपा के कुछ नेताओं ने सवाल किया है कि जब चुनाव में केवल 3.63 लाख वोट पड़े हैं, तो चुनाव आयोग ने 4,87,000 से अधिक वोटों की गिनती कहां से कर दी है। और ये बहुत ही बड़ी खबर है। आपको बता दें, जब 3,63,000 वोट पड़े हैं, तो चुनाव आयोग ने 4,87,000 दोस्तों वोटों की गिनती कहां से कर दी है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, सपा नेताओं का कहना है कि दोस्तों यहां बीजेपी ने जमकर धांधली की है और आरोप लगाया है कि यूपी में खुलेआम दोस्तों बेईमानी का खेल चल रहा है। शासन प्रशासन दोस्तों मूक बनकर सब कुछ देखता रहा, लेकिन दोस्तों किसी ने कुछ नहीं कहा है। दरअसल सपा की प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनाव में मिली हार के बाद मतगणना में धांधली का आरोप लगाया, अपनी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की है। उन्होंने मांग की है कि दोबारा मतगणना होनी चाहिए। काजल ने कहा कि जब गोरखपुर की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, तो वे कैसे मान लेंगे कि उनके लोग हार गए हैं। काजल का आरोप है कि मतगणना के लिए खराब गुणवत्ता वाले कंप्यूटर दिए गए थे। मीडिया के सामने काजल फूट फूट कर रोई और कहा कि वह ये नहीं मान सकती है कि पारदर्शिता के साथ मतगणना हुई है और अब तो यहां दोबारा से मतगणना करने की मांग चल रही है। अब तक की सीधी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 17 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। डंका बीजेपी का बज गया है, सपा बसपा पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीट नहीं जीत पाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह इतिहास में पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। हालांकि कर्नाटक के अंदर बीजेपी को बहुत ही बुरा झटका लगा है। 224 सीटों में सिर्फ 65 सीट ही दोस्तों जीत सकी है बीजेपी, और जहां दोस्तों कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।